देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने आज एक बार फिर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार पूर्व में ढांचा बीज घोटाले में आरोपित होते हुए तथ्य चुनाव के समय छिपाया, जिस कारण उनकी सदस्यता जा सकती थी, वही संपत्ति को लेकर भी सीएम हाउस द्वारा राजस्व सचिव को जांच के आदेश भी दिए गए थे, परंतु आज भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पद पर बने हुए हैं। जनसंघर्ष मोर्चा इसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ेगा। वहीं जनता मिलन के दौरान व्यापारी प्रकाश पांडे द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले पर भी बोलते हुए जनसंघर्ष के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शर्मनाक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल आत्महत्या करने की धमकी देना एक फैशन सा हो गया है, एक परिवार इसकी नीति के कारण तबाह हो गया है और इनको फैशन लगता है, यह बड़े खेद का विषय है। जनसंघर्ष मोर्चा इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दाखिल कराएगा। आयोग से आग्रह किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिसगाइड करके मिसरिप्रेजेंट करके भारत निर्वाचन आयोग को भी धोखा दिया, प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया। इसमें तीन मुद्दों पे हमने कहा था कि उन्होंने अपनी उम्र को कई बार छुपाया है, कई बार घटा करके लिखा है, दूसरा इनकी संपत्तियों का मैटर था, तीसरा जो ढींचा बीज जो घोटाला है जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, उस घोटाले को अगर ये उस समय दर्शा देते मैं समझता हूँ ये प्रदेश के मुख्यमंत्री न बन पाते, भी कैंसिल होना चाहिए जो इन्होंने सदस्यता ग्रहण करके विधानसभा की, वो भी निरस्त हो। और दूसरा जो मैटर है प्रकाश पांडे जी की मैटर में जो इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि एक फैशन बन गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूँ जनसंघ मोर्चा का कहना यह है कि जब 17 अगस्त को प्रकाश पांडे जी ने पीएमओ को पत्र लिखा था तो पीएमओ ने 22 अगस्त को ही पत्र सचिव राजस्व भेजा है। सचिव राजस्व में तो आप समझ सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है जो सूबे के मुख्यमंत्री, इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल विमुख हो रहे हैं। ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे बयान न देकर के उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना रखनी चाहिए। वो जनसंघर्ष मोर्चा इस मामले को लेकर भी उनके खिलाफ बहुत जल्दी इसमें हम 156(3) में हम जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा हम कराएंगे, हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होगा। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।